ये डेट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और हो भी क्यों ना, पहली वीडियो जो अपलोड की थी इस दिन। और हम यहीं नहीं रुके, हमने 2 सालों में काफ़ी सारी वीडियोस बनाई और कुछ माइलस्टोन भी हिट किए। रात के 1 बज रहे हैं और अभी लगभग 1 घंटे पहले जो है अपने 400 सब्सक्राइबर पूरा हुआ। बहुत ही अच्छा लगा दिल से, छोटा सा माइलस्टोन पूरा होता ना बड़ी खुशी होती है। जस्ट क्रॉस्ड 1K सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया होगा, जिनकी वजह से ये माइलस्टोन पूरा हो पाया। एंड एक क्रेजी स्टोरी है इसके पीछे कि कल हुआ क्या। कल क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तो मैं और उत्सव पूरी रात सोए नहीं। 6:45 इन द मॉर्निंग और हम निकल पड़े हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह सुबह काफ़ी सेहत के लिए अच्छा होता है और आज हमने ट्राई किया, मतलब कॉलेज भी जाना नहीं बट हम सुबह जल्दी उठे पहले। और अब मैं तुमको सच बताता हूँ कि सुबह उठे नहीं हैं, रात भर पूरे सोए नहीं हैं। एंड हम पूरी रात बातें कर रहे थे कि आप हमको कैसी वीडियोस डालनी है, क्या कंटेंट हम डाल सकते हैं। एंड सुबह के 7-8 बजे हम निकल गए बाहर, चाय भी नहीं लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ब्लॉग करने के लिए कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा भी कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि कुछ फ्यूचर में हम ऐसे मोमेंट्स भी याद करेंगे। सुबह के समय सोने में भी इतना मज़ा आता ना कि हम दोपहर के फिर 2-3 बजे ऐसा उठे। एंड द मोमेंट आई वोक अप मैंने देखा मेरे को फ़ोन के ऊपर 6 से 7 मिस कॉल्स आई हुई थी अननोन नंबर से। तो मैंने तो मतलब नॉर्मली ऐसे कॉल पिक कर लिया तो मुझे पता चलता है कि मेरे लिए कोई पार्सल आया हुआ है। एंड अब वो कुछ 15-20 मिनट में फिर से वो पार्सल मुझे देने के लिए आ रहा है वो बंदा। मैं सोच रहा हूँ, मैंने पूछा भी नहीं कि किस रिलेटेड पार्सल है, क्या पार्सल है, कुछ नहीं पूछा। अभी भी कुछ समय पहले उठा एंड मैंने देखा कि मेरे को ना इतने सारे कॉल आए थे ना। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे लिए ना एक पैकेज आया हुआ है कुछ। अब किसकी तरफ से आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, वो लिटरली मुझे भी खुद नहीं पता। और क्योंकि उसी समय हमारा जोमेटो का ऑर्डर भी आ गया तो मुझे भूल गया कि मुझे उस पैकेज को ओपन भी करना है। इसके अंदर जो कुछ भी है इसको खोलते हैं। खोलना कैसे, लेकिन कुछ होना तो चाहिए। इंतजार की घड़ी होती है समाप्त। कुछ ऐसा दिख रहा है, प्लांट प्रोटीन। ओह प्लीज आई हैव टू स्टॉप एक्टिंग नाउ। सर ट्विस्ट इज कि जब मुझे पैकेज मिल गया था उस समय मुझे पता चल गया था कि इसकी स्पॉन्सरशिप मिली है हमें, यानी कि आपको और हमें। सो हाँ, वी जस्ट गॉट द फर्स्ट प्रोटीन स्पॉन्सरशिप जो कि है फास्ट एंड का प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एंड मतलब कि हर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर का, मेरे जैसे जो कि भी स्टार्ट किए थे उन्होंने कुछ सालों से, स्टार्ट नहीं किया काफ़ी समय हो गया वैसे तो, बट ये स्पॉन्सरशिप मिलना इज़ अ बिग थिंग। एंड इस प्रोटीन के बारे में बताऊँ तो मैंने इस प्रोटीन के बारे में पहले भी काफ़ी सुना हुआ है। इसको मैंने अनबॉक्स किया था आज से 2 हफ्ते पहले। एंड मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे इस प्रोटीन को मैंने ना ही पिया था ना ही मुझे इसके बारे में पूरा एग्जैक्ट नॉलेज था। तो इसको मैं ऑलमोस्ट अभी लास्ट 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ एंड बता दूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। तो अगर तुमको इस प्रोटीन के बारे में बताऊँ तो दिस इज़ 100% वीगन आइसोलेट प्रोटीन। इसके एक कुप के अंदर तुमको 31 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, साथ ही साथ 6 ग्राम BCAA, 6 ग्राम ग्लूटामीन। एंड क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्साइंस प्रेजेंट है तो इससे तुम्हारा डाइजेशन भी इजी हो जाता है एंड ब्लोटिंग एज वेल एज स्टोमक अपसेट वाले इश्यूज भी नहीं आते। इस प्रोटीन को खरीदने के लिए एक स्पेशल चीज़ है कि तुम पा सकते हो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तुम मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो
मैंने 900 सब्सक्राइबर के ऊपर कहा था कि हमें क्यू एन ए करेंगे, तो हमने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोल डाला था, तो कुछ सवाल आए हैं। तो पहला सवाल है कि हाउ डू यू गेट द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए यूट्यूब चैनल? तो यूट्यूब चैनल का स्टार्ट करने का कोई आइडिया नहीं था, मतलब बहुत समय से सोचा था कि कुछ ऐसा करना है, बट आउट ऑफ सडन स्टार्ट कर दिया। और जो आइडियाज़ है कि जिस तरह के मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये अब प्लान हो रहे हैं, और अब सोचता हूँ कि किस तरह की बनानी है, क्या नहीं करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने कभी किसी को धमकाया है या मारा है? भाई ऐसे इतने तुमको लग रहा है मुझे देख के कि मैं किसी को धमकाऊँगा या मारूँगा? कभी भी नहीं हुआ, कभी भी हुआ नहीं है, आई डोंट थिंक सो। तो हाँ, कभी नहीं हुआ ऐसा कि मैंने किसी को धमकाया है या मारा है या कुछ किया है। सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 3D शोल्डर को कैसे बनाया जाए? तो 3D शोल्डर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को देखो। पहला सवाल है कि हाउ मच डू यू चार्ज फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन? सो देखो यार, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन के लिए ये किन के प्राइस जानने के लिए तुम DM कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे, एंड या तो मेल कर सकते हो मुझे, ऐसे यहाँ पे नहीं बता सकता मैं। और सेकेंडली ये है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का एक फ़ायदा है, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ अलग अलग डिस्काउंट्स वगैरह ले आता हूँ ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। सो कल हमारी एग्ज़ाम है, एंड दिस इज़ अ डे बिफोर एग्ज़ाम, और हमको अचानक से आया कि चलो क्यों ना रूम साफ़ किया जाए, क्योंकि फिर वो थोड़ा अच्छा फोकस बैठता है ना। तो उस समय मैं रूम साफ़ कर रहे थे। अभी तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मतलब गंदगी किससे कहते हैं ना। ये बेड देखो तुम, ये बेड कुछ समय पहले थोड़ा पीछे दीवार के साथ लगा होता था, मैं इसको पीछे खींचा, लाइक दीज टू बेड्स, एंड देखो इधर देखो भाई। मतलब हम असल में करते क्या थे, इस मतलब खाते थे ना, बेड से ही पीछे फेंक देते थे, नॉर्मल इंडियंस की तरह। मगर क्यों? मेरे ऊपर फेंक रहा सारा। अब क्योंकि हमने रूम साफ किया है, तो यहाँ से वहाँ तक हम चप्पल लगाकर नहीं जा सकते, ना ही पैर रख सकते। तो ट्रिक ये है कि देखो सब ठीक रहा ये है ना, ये इसको ऐसे अंदर की तरफ शेल के अंदर ग्रैब करना है, एंड देन अपने आप को ऐसे स्विंग लेकर ऐसे कूदता, लेकिन करना ऐसे ना टेक्निकली। मैं दिखाऊं पहले कि तू करेगा? तू कर। चलो भाई देखो अपने क्या कर। मेरे को भी नहीं पता मेरे से होगा कि नहीं। कुछ भी होगा नहीं होगा, होगा होगा ऐसे ही कूद जा। हम चप्पल लगाकर नहीं जा सकते। चल चल जा। देख एक और चीज हो सकती है, अब तू डाई मारेगा, तेरा सर इस पे बच गया ना तो कांड हो जाएगा भाई, एक आल एग्जाम भी है। बात तो सही है। चल बैड खराब नहीं होना चाहिए भाई। भाई रुक जा रुक जा उठ सर रुक जा। ऑडियंस जमा हो गई भाई देखने के लिए कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चले गए भाई। चल चल कर हर मैदान, देख सब देख रहे हैं भाई उत्सव, हर एक बंदा अपने रूम से बाहर आके देख रहा है। क्या कर दिया कमन ब्रो?